पूरे नागपुर शहर में गौवंशों को कत्तल खाने से बचाने का अभियान जारी है, जहां आए दिन गौवंशों को कत्तल खाने से बचाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पांच पौली और तहसील पुलिस थाने अंतर्गत सामने आया है, जहां गौवंशों को कत्तल खाने से रिहा किया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए जोन 3 के DCP गोरख भामरे ने बताया कि अवैध गौवंश कत्तल खाने के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत आज सुबह तहसील पुलिस थाने अंतर्गत के 5 जगह से कुल 42 गौवंश जब्त किए गए और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पांच पावली में गौवंशों को ले जा रही गाड़ी को जब्त किया गया, जिसमें से 5 गौवंश जब्त किए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पांच पावली में कुल 3 लाख का माल जब्त किया गया और तहसील में पकड़े गए माल की कीमत लगभग 5 से 6 लाख, ऐसा कुल मिलाकर 8 लाख रुपए का माल जब्त कर कार्रवाई जारी है। अवैध गौवंशवादों को और कत्ल के खिलाफ जो अभियान अभी नागपुर सिटी में चल रहा है, उसके अंतर्गत आज मॉर्निंग में फिर से तहसील और पांच पावली पुलिस स्टेशन में ऑल आउट ऑपरेशन, चेकिंग ऑपरेशन आज इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें तहसील पुलिस स्टेशन में 5 जगह से टोटल 42 गोवंश जानवर आज जब्त किए गए और इसमें जो आरोपी थे वो उनको भी अटक किया गया और इसमें अभी गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा पाचपौली पुलिस स्टेशन में भी एक 4-चक्की गाड़ी जब्त की गई है, उसमें 5 गोवंश जानवर की वाहतूक की जा रही थी, उसमें भी जानवर और वो गाड़ी और आरोपी को अटक करके गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। पाचपौली के केस में टोटल 3 लाख के आसपास मुद्देमाल पकड़ा गया है। तहसील में जो अभी 42 जो अभी जो गोवंश पकड़े गए उनकी भी कीमत लगभग 5-6 लाख के आसपास है और जो भी आरोपी है उसमें हर एक केस में आरोपी अटक किए गए पुलिस स्टेशन द्वारा, उसकी अभी इंक्वायरी की जा रही है। जो आरोपी अभी हमने अटक किए हैं उनसे अभी पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से इनको ये सप्लाई हो रहा है माल और कौन इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसमें जो भी और भी निष्पन्न होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।